बिहार को बहुत कुछ मिल गया है, विपक्ष मान ही नहीं रहा है, सब कह रहे हैं हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी, सबसे पहले मैं आपको वही बताता हूं। क्यों? क्योंकि इस एक घंटे में देश में क्या घटा है आज दिन भर में वो बताता हूं। आपके प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है और देखना भी बहुत जरूरी है वो बताता हूं। मतलब इस एक घंटे में वो सब कुछ बता देना चाहता हूं जो आप जानना चाहते हैं देश और अपने प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए सबसे पहले आज फिर संसद में मचे घमासान की बात करेंगे। और क्यों हल्ला मचा रहे हैं नेता जानते हैं? क्योंकि बिहार को बहुत पैसा मिल गया है बजट में। आज किसने क्या कहा है, विपक्ष क्यों तख्तियों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, एक एक तस्वीर का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे देश में बाढ़ बारिश से मची तबाही की। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि बाढ़ बारिश में आपको तब तक सावधान करता रहूंगा जब तक दूसरा मौसम ना आ जाए। छत्तीसगढ़ से कई डरावनी तस्वीरें आई हैं, आज विस्तार से दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे इंदौर में कैसे वाटरफॉल के आसपास लोगों को जाने से सावधान किया जा रहा है। बस इसलिए कह रहा हूं आपकी जान बची रहे, चिंता इस बात की है। और चौथी खबर में बात करेंगे आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद पर खूब हंगामा हुआ है, एक एक तस्वीर दिखाएंगे किस नेता ने क्या कहा है और किस तरह से तंज कसा है और चुटकी ली है नेताओं की जुबानी जंग विधानसभा के अंदर, आपको विस्तार से दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन का, कितनी भीड़ थी, क्यों प्रदर्शन हुआ सब बताएंगे। और क्यों बड़े बड़े नेताओं के कैसे कुर्ते फाड़ दिए गए। छठवीं खबर में बात करेंगे कैसे वीडियो की जिसे देखकर मैं परेशान हूं, हार्ट अटैक से बहुत मौत हो रही है, खबर क्या है जानना चाहते हैं? आज क्यों इसकी बात कर रहा हूं समझना चाहते हैं, जुड़े रहिएगा। ऐसी डरावनी तस्वीर दिखाऊंगा कि आप कहेंगे कि हे भगवान, ऐसी मौत तो कम से कम किसी को ना मिले। सातवीं खबर में बात करेंगे सुसाइड कैप्सूल की, स्विट्जरलैंड की कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं बजट से। 48 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, बजट पर खूब हल्ला हुआ है। और क्यों? क्यों यहां नीतीश कुमार चिपके हुए हैं और राबड़ी देवी बगल में है, लालू प्रसाद यादव की पत्नी और निर्मला सीतारमन बजट का अपना पूरा पुलिंदा लिए हैं इस तस्वीर में, क्यों जानना चाहते हैं? तो चलिए खबर की शुरुआत कर देता हूं। 48 लाख करोड़, युवाओं को मिला, महिलाओं को मिला, किसानों को मिला, सबको मिला, उद्योगपतियों को भी मिला, कई राज्यों को मिला, लेकिन लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना मिल गया कि कल से ही हंगामा हो रहा है। कल भी खबर दिखाई थी आपको और कल भी इसी एंगल से आपको खबर दिखाई थी कि जरूरी है या मजबूरी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और आज भी बता रहा हूं कि इस जरूरी और मजबूरी के चक्कर में क्यों विपक्ष हो हंगामा कर रहा है, कैसे विपक्ष के नेता बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले छप्पर फाड़ पैसे से नाराज हैं, इतने नाराज हैं कि आज तो तख्तियों को लेकर संसद पहुंच गए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों से भेदभाव हुआ है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सीधे मुद्दे की बात करेंगे कि क्यों इतना शोर और क्यों इतना हंगामा हो रहा है। पहले रिपोर्ट दिखाइए। हमको तो कुछ नहीं मिला तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वास्तव में पिछड़े राज्य हैं, उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है। हरियाणा के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, झारखंड के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, पंजाब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है। हमें 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीजें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है। स्टेट्स को तो आपने कुछ दिया नहीं, बिहार को भी गुमराही किया है। क्या दिया है बिहार को? बहुत खुश हो रहे हैं बिहार के लोग। कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है।
मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। सोनिया गांधी को आपने देखा इस वीडियो में, देश की इतनी बड़ी नेत्री कैसे भीड़ में खड़ी हुई हैं, और आप देखे अलग अलग पार्टियों के नेता कैसे बाहर तख्तियों के साथ नारे लगा रहे हैं और कैसे भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक की पत्नी जया बच्चन कैसे बाहर खड़ी हैं और कह रही हैं, क्या ही मिला है बिहार को जो यूं ही खुश हो रहे हो। विपक्ष कह रहा है भेदभाव किया गया है, भेदभाव किया गया है, किसी को कुछ नहीं मिला है और बिहार ज्यादा खुश मत होइए। एसपी सांसद, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी ने कह दिया है कि आपको भी कुछ नहीं मिला है भाई साहब। विपक्ष इस पूरे बजट को चुनाव से जोड़कर भेदभाव का आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है एनडीए सरकार चलती रहे इसलिए नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को बजट में खुश करने की कोशिश की गई है, उन्हें खुश किया गया है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी ने बीजेपी को झटका दे दिया है इसलिए उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया है। इतने बड़े बड़े नेताओं के ऐसे बयान, संसद के बाहर तख्ती लेकर खड़े होना, आप समझ रहे हैं ना मुद्दे की बात में इस खबर को क्यों दिखा रहा हूं। तो चलिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीत कर आए हैं, बड़े नेता बन गए हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये भी सुना दीजिए जरा। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता यह है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? अखिलेश यादव एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं साहब। एक तो कहना चाहते हैं बजट में यूपी का ध्यान नहीं दिया गया, और दूसरा कह रहे हैं कि लखनऊ से दिल्ली वाले नाराज हैं। लखनऊ मतलब कौन? योगी आदित्यनाथ, समझ रहे हैं ना इसके क्या मायने हैं। यूपी में बीजेपी को जो चुनाव में झटका मिला है, समाजवादी पार्टी उसी से जोड़कर बजट को देख रही है। जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है सब कह रहे हैं हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। ये भी सुन लीजिए पंजाब, महाराष्ट्र और झारखंड के नेता क्या कह रहे हैं। जब सुना ही रहा हूं तो विस्तार से क्यों ना सुनाऊं। सुनाइए जरा झारखंड, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग क्या कह रहे हैं। लंगड़ी सरकार जिनके सहारे खड़ी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये बजट पेश हुआ है, बाकी तो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने बाढ़ के लिए देखा कि दूसरे राज्यों को दिया गया, जहां पंजाब में एक साल में दो दो बाढ़ आए हैं, तो उनके बारे कुछ नहीं। किसानी आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, उनको उठाया गया, वादे किए गए, आज किसान इतने तकलीफ में है, तब भी उनके बारे में भी कुछ भी नहीं। बाकी सारे राज्यों को पैकेजेस की जरूरत नहीं है? आज महाराष्ट्र हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, सबसे ज्यादा टैक्सेस सेंटर हमसे ही लेती है, पर महाराष्ट्र को क्या मिलता है? वो भी तो अलायंस में, इनकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उन अलायंस पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं। मुझे भी बहुत मायूसी है कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, जबकि यहाँ इतने खनिज पदार्थ है कि पूरे देश को झारखंड सप्लाई करता है, कोयला, लोहा से लेकर तमाम कीमती मिनरल्स, और उनके लिए भी अलग से कोई विशेष कुछ भी नहीं दिया गया। बहुत राजनीति हो रही है, बहुत सियासत हो रही है इन राज्यों पर, बीजेपी क्या कह रही है वो भी तो सुनाना जरूरी है। सरकार में तो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए अलायंस की सरकार है, उधर से भी बयान आया है, जरा सुनाइए सरकार का क्या पक्ष है। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ दो राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो एक दो राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। बजट पेश होने के दूसरे दिन संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह बजट पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक में आज बजट की ही गूंज रही, यहां भी यही कह रहे थे सांसद, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना दीजिए भाई क्या कह रहे हैं। ये बजट जनविरोधी है, अन्याय है, किसी को भी न्याय मिला नहीं। बिहार को खुद सड़क तो बनते हैं, सड़क के लिए पैसे दिए, ये कोई बड़ी बात है? वो यहाँ स्पेशल पैकेज बोल रहे हैं,
लेकिन स्पेशल स्टेटस आंध्र को भी नहीं है। ये सब एक ये डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। कर्नाटक को कुछ नहीं मिला, केरल को कुछ नहीं मिला, और भी राज्य हैं, बहुत नाम गिना दिए खड़गे जी, और तो और बिहार जिसको खूब मिला है, ऐसा विपक्ष ही कह रहा है। वहां विपक्ष के सांसद कह रहे हैं बिहार को क्या ही मिला है। अभिजय बच्चन को सुनाया, आप जरा सुनाइए, मीसा भारती भी तो लोकसभा पहुंची है, लालू प्रसाद की बिटिया क्या कह रही है ये भी सुनाइए। किस तरह का कायाकल्प होने वाला है हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बिहार से आते हैं, तो चाहते हैं कि बिहार को मिला क्या है। तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो मुख्य जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। मीसा दीदी ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, 58,000 करोड़ से ज्यादा मिला है आपके बिहार को, तभी तो इतना हंगामा बरपा है। बजट में बिहार को खूब मिला, फिर भी बिहार में हंगामा हो रहा है। और आपको पता है मीसा भारती की माताजी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव आज बजट को लेकर कुछ बोल रही थी, तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कह दिया जिसको साइन करना नहीं आता वो क्या बजट पर बोलेंगे। ऐसा कैसे बोल सकते हैं मंत्री जी, सुना दीजिए दोनों नेताओं को, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सुनाइए जरा। ये अपना कुर्सी बचाने के लिए दो राज्य के दिए, सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए, तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा। जब जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा। और राबड़ी देवी जी को, राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं, दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए, तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं ललन सिंह जी, ऐसे नहीं बोलना था। इधर ललन सिंह राबड़ी देवी को बोल गए, उधर विधानसभा में महिला आरक्षण पर बोलते हुए नीतीश बाबू ने अपना आपा खो दिया, खोते ही रहते हैं, जब चाहे तब खो देते हैं। आरजेडी विधायक रेखा देवी, आरजेडी की विधायक रेखा देवी पर भड़क गए और कह दिया अरे महिला हो कुछ जानती हो, कुछ जानती नहीं हो। नीतीश कुमार जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहा क्या है सुना दीजिए जरा। अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद ना महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। बहुत बिगड़ गए थे नीतीश कुमार, नहीं बताइए। अरे मुख्यमंत्री जी आपा मत खोइए, जब से सत्ता मिली है जा ही नहीं रही है, आपके बराबर मौज किसी की हो ही नहीं सकती है। इस पार्टी से अलायंस करें चाहे उस पार्टी से अलायंस करें, मुख्यमंत्री आप ही रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री बने तो कुर्सी में आप ही अगल बगल बैठे थे, आपकी मौज है, राजयोग लिखा के आए हैं, काहे गुस्सा रहे हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है। बताइए मुख्यमंत्री महिला को लेकर ऐसा बोलेंगे तो विवाद तो होगा ही, हो गया विवाद। रेखा देवी कह रही है मुख्यमंत्री जी का दिमाग सही नहीं है, सुना दीजिए आरजेडी विधायक रेखा देवी क्या कह रही है। देखिए मुख्यमंत्री जी, हम लोग आरक्षण के मुद्दा पर प्रदर्शन कर रहे थे कि आरक्षण मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसी पर मुख्यमंत्री ने भड़क गए कि महिला आ गई है, कैसे आ गई, क्या जानती है, कुछ जानती है। अब बताइए मुख्यमंत्री तो महिला विरोधी है, महिला को तो सम्मान देना चाहिए, महिला ही सब कुछ है। देखिए भाई नीतीश बाबू विधानसभा में खड़े होते हैं तो कई बार आपा खो देते हैं और वायरल हो जाते हैं। पिछले साल आरजेडी के साथ थे और कई ऐसे बयान दिए थे जिससे खूब वायरल हुए, विवादों में रहे, ये विवाद तो चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरी खबर क्या है ये भी तो बताना जरूरी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी तो जरूरी है। और अब बहुत जरूरी खबर बताने जा रहा हूँ, कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, क्यों लिखा हुआ है आपको पता है, बता देता हूं, बहुत जरूरी खबर बताने जा रहा हूं। आपको पता है आज दोपहर में जब ऑफिस में था तो एक वीडियो आया जिसे देखकर बहुत दुख हुआ। वीडियो क्या था आप लोग भी देखिए, दिखाइए पहले वीडियो। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कथावाचक पंडित गोपाल कृष्ण महाराज गद्दी पर बैठकर कथा सुना रहे थे।
कथा खत्म होने के बाद पंडित जी भजन सुनाने लगे और भजन सुनकर सभी भक्त झूम रहे थे, नाच रहे थे। तभी अचानक पंडित जी को हार्ट अटैक आता है और पंडित जी की मौत हो जाती है। लोग उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बोले पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और पंडित जी की मौत हो गई। हम खबर की दुनिया के लोग हैं, दिन भर में बहुत हादसों की खबर आती है, किसी की मौत की खबर आती है, खबर टीवी पर चलती है, खत्म हो जाती है। ये खबर भी आई, कई चैनल्स ने चलाई और खबर खत्म हो गई। लेकिन मुझे आप लोगों की चिंता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अक्सर खबर आती है कि कोई डांस कर रहा था और अचानक मौत हो गई, कोई जिम कर रहा था अचानक मौत हो गई। पिछले साल भर में ऐसी बहुत खबरें आई होंगी, उनमें से हाल ही में कुछ खबर के वीडियो पहले देख लीजिए, फिर आगे की बात करता हूँ। चलिए दिखाइए भाई, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये डराने वाली तस्वीरें बीते कुछ महीनों में देश के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आई हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहाँ योग कार्यक्रम में डांस कर रहे रिटायर्ड फौजी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई और लोगों को लगता रहा कि परफॉर्मेंस चल रहा है, लोग ताली बजाते रहे। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है, जहां जिम में एक्सरसाइज करते करते अचानक एक शख्स गिर पड़ा। अच्छा खासा शख्स एक्सरसाइज करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का वीडियो है, जहां लड़की जस्ट के माहौल में डांस कर रही थी, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। अब चौथी तस्वीर को भी जरा ध्यान से देख लीजिए, बनारस के पियरी इलाके की है, जहां युवक जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जब तक अस्पताल पहुंचाया गया उसकी भी मौत हो गई। अभी अगली चार तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर राजस्थान के अजमेर जिले की है, तस्वीर बदलिए, जहां रात करीब 11:30 बजे ये बुजुर्ग भजन संध्या में झूम कर नाच रहे थे, तभी अचानक गश खाकर नीचे गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तस्वीर इंदौर के एक होटल की है, जिसमें एक परिवार एक साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं, तभी अचानक एक सदस्य को हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। तीसरी तस्वीर है राजस्थान के दौसा की, चलते फिरते नाचते अचानक 10वीं का छात्र गिरा और उसकी भी जान नहीं बची। चौथी तस्वीर राजस्थान के पाली की है, साली की शादी में स्टेज पर जीजा डांस करते करते अचानक गिरे और जिंदगी नहीं बच पाई। जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं अचानक से मातम पसर गया। तस्वीरें भले ही अलग अलग इलाके की हैं, पर इसमें समानता बस इतनी है कि इन सभी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अब आप समझे कि कैसे आज की एक छोटी सी खबर से मुझे आपकी चिंता हुई और मैंने आपको सावधान करने की लिए इस खबर का चयन किया। दरअसल कोरोना के बाद से ऐसे हादसे बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऐसी खबरें भी चली कि कोविड के बाद लगी वैक्सीन की वजह से लोगों का दिल कमजोर हुआ है, लेकिन जब इस तरह की खबरें उठी तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने अध्ययन किया और बताया कि कोविड के टीके का हाल ही में हुई मौतों से कोई लेना देना नहीं, ना ही वैक्सीन का दिल पर कोई असर हुआ है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को कोविड का गंभीर संक्रमण था, उनमें दिल की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। तो सुन लीजिए, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है, तो आपको सावधान करने आया हूँ। तो क्या सावधानी रखनी है, जरा ये भी जान लीजिए। चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी खाते हैं तो उससे बचिए। जीवन शैली में बदलाव रखिए, स्वस्थ खाना खाइए, अच्छा आहार लीजिए। इसके अलावा घर का खाना खाने में ज़्यादा भरोसा रखिए। हरी सब्जियां खाइए, अगर धूम्रपान करते हैं मतलब कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए। अगर शरीर में मोटापा है तो कम करने की कोशिश कीजिए। वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन एक्सरसाइज भी करिए, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। शराब का सेवन भी कम करना होगा, थोड़ी बहुत पीते हैं तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पीते हैं तो देख लीजिए, ब्लड प्रेशर और शुगर पर भी ध्यान देना होगा। तबाही मची है, जानते हैं किससे? बारिश से। और मैं आपको अगर ये कहता हूं कि बारिश ने बहुत कुछ बहा दिया, तो ये लिखने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इस गरीब के सपने को बहा दिया, इस गरीब के आसियाने को बहा दिया और इस गरीब की पाई पाई कमाई से बने हुए इस घर को बहा दिया। न जाने क्या क्या बहा दिया, किसने? बारिश से। इसलिए रोज कह रहा हूं,
बरसना था लेकिन इतना नहीं बरसना था भाई। रोज बाढ़ बारिश से तबाही की भयंकर तस्वीरें दिखाता हूं। आज सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, मैदान पर गए हैं। मैं कहता हूं ना विस्तार न्यूज यानी आपका चैनल, आपके दर्द को समझने के लिए मेरे सहयोगी महसूस करते हैं उस दर्द को। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए जरा। खतरनाक है मौसम का ऐसा अटैक, ठीक नहीं है। कहीं घर गिर जा रहा है, कहीं दुकानें डूब जा रही हैं, कहीं बिजली गिरने से लोगों की मौत हो जा रही है, तो कहीं लापरवाही के करंट से एक शख्स की मौत हो जा रही है। इतनी तबाही सिर्फ बारिश से ही तो है, बारिश से ही तो है। आज एक तस्वीर सुबह से वायरल हो रही है, दिखाइए जरा। लोहे का गेट, एक लड़का उससे चिपका हुआ गिरा है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं। बस इसलिए तस्वीर को ब्लर कर दिया गया है, धुंधला कर दिया गया है। वीडियो दिल्ली के साउथ पटेल नगर इलाके का है। बारिश के दौरान पीजी के पास लोहे के गेट में करंट आने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले नीलेश पिछले 3 साल से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। कितना सपना देखा होगा इस बच्चे ने, माँ बाप का इकलौता बेटा। कितने अरमानों से परिवार वालों ने उसे पढ़ने भेजा होगा, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने नीलेश को मार दिया, हत्या कर दी। घटना सोमवार की है। नीलेश चाय पीकर लौट रहा था, तभी गली के गेट के बाहर पानी भरा था। गेट में करंट आ रहा था, जिसकी जद में आकर नीलेश की मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। देखते ही देखे तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। मामला राजधानी दिल्ली का है तो सिस्टम पर सवाल उठाए जाने लगे। अब कोई भी खबर हम विस्तार से दिखाते हैं तो हमारे सहयोगी प्रत्यूष को ग्राउंड पर भेज दिया और कहा कि कितने लोग, न जाने कितने लोग पूरे देश से मुखर्जी नगर जाते हैं किस चीज का सपना लिए, कि आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, चीफ सेक्रेटरी बनना है, और वहां सिस्टम की लापरवाही से मौत हो जाती है। विस्तार न्यूज के सहयोगी देश के चप्पे चप्पे पर हैं, हर कोने पर हैं, और जहां आपको सावधान करने वाली रिपोर्ट हो वहां तो बिल्कुल दिखेंगे। इसलिए प्रत्यूष ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, दिखा दीजिए। दिल्ली से विस्तार न्यूज के सहयोगी प्रत्यूष ने क्या भेजा है, दिखाइए जरा रिपोर्ट। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले नीलेश का पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास इस गेट में सटकर मौत हो जाती है करंट लगने से। तमाम ये जो तार है ये इस प्रकार से नीचे गिरे हुए हैं। जल भराव के कारण बताया जा रहा है कि करंट आया इस पोल में, जिसके वजह से नीलेश ने उस गेट को पकड़ा और उसके बाद से नीलेश की मौत हो गई। ये देखिए, ये यहाँ पे पंप जल भरा हुआ है और यही नीलेश का चप्पल है। यही चप्पल देखिए किस प्रकार से टूटा हुआ है, और नीलेश यही चप्पल पहन के जा रहा था, जिसके बाद से पैर स्लिप हुई और फिर उस गेट को सपोर्ट के लिए पकड़ा और चप्पल टूट गई। कैसे हो गया यह सब घटना? सर 1:30 बजे की बात थी, काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा था तब। यहाँ पर कुछ शोर शराबा हुआ तो हम पूछने के लिए गए कि क्या हुआ है, तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे और हम यहाँ पर थे अंदर की ओर, तो वो हमें कह रहे थे यहाँ पर एक व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, अपना मेन स्विच बंद करो। तो हम अपने केयरटेकर को बुला के लाए, उन्होंने मेन स्विच देखा और उन्होंने ट्राई किया बंद करने का, और उन्होंने सब कुछ बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर भी शायद करंट आ ही रहा था यहाँ पर। किसको दोषी मानते हैं सर? कह सकते हैं प्रशासन भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि स्टूडेंट इमरजेंसी कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था, उठा रहे थे तो आवाज़ नहीं आ रहा था, अगर उठा भी रहे थे तो लेट आए, और आए भी सही तो फिर यहाँ पर आके पुलिस वाले भी बस फोटो ही ले रहे थे, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। 1.5 घंटे बाद जो है उनकी जो बॉडी को है वो अलग किया गया, तो सर 1.5 घंटे के बाद तो फिर सर 1.5 घंटे में तो ऑफकोर्स जान तो उनकी चली गई होगी ना। फ़ोन कोई पिकअप नहीं कर रहा था, और जब तक वो आए तब तक लेट हो चुका था। आई थिंक ही वाज डेड ऑन द स्पॉट। यस, वो अपनी ORN में लाइब्रेरी थी उनकी, और वो मेंस की प्रिपरेशन करते थे तो वह आ रहे थे। उनका प्री हुआ था इस बार, प्री हो गया या उनका प्री क्रैक हुआ था, और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे वो। जैसे कि प्री हो गया था, एज अ पर्सन बहुत अच्छे थे। नीलेश का प्री निकल गया था, और वो नीलेश इसी यही एक गेट है, इस साइड के गेट पे ना, इस साइड के गेट पे वो
यही गेट है जहां पर नीलेश की मौत हो गई करंट लगने से और जलभराव के कारण, मतलब कि दिल्ली में जो जलभराव है वो मौत का कारण भी बन रहा है। ऐसे तमाम छात्र हैं जो यहां पर रह के पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर भी डर बैठा हुआ है और डर का माहौल है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी के साथ, कोई दूसरा नीलेश के साथ ऐसी घटना ना हो जाए। डेढ़ घंटे तक गेट से अगर कोई चिपका रहेगा, वो बच्चे ठीक ही तो कह रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। नीलेश ने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर लिया था, मेंस की तैयारी कर रहा था नीलेश, लेकिन इन तारों ने नीलेश के साथ साथ उसके परिवार के अरमानों को तोड़ दिया। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो लौटेंगे तो अधिकारी बनकर, लेकिन आज नीलेश अपने परिवार के पास किस हाल में पहुंचा है, सोचिए। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी लापरवाही। बस इसीलिए कह रहा हूं, ये मौत नहीं हत्या है, सिस्टम ने मार डाला है नीलेश को। चलिए और तस्वीरें दिखा देता हूं। बारिश का कहर झेल रहे राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है बारिश सब कुछ बहा ले जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते यहां की नदियां और नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश से कई घर टूट गए हैं, दुकानें डूब गई हैं। विस्तार न्यूज के सहयोगी मौके पर जा रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अब विस्तार से आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। आपको अब कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी कहेंगे, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, परवाह क्यों नहीं करते, क्यों इनको अपने जान की परवाह नहीं है, क्यों? सबसे पहले आपको दमोह का वीडियो दिखा देता हूं। पानी का बहाव कितना तेज है, सोचिए। सिर्फ इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि ये लोग कभी भी बह सकते हैं, लेकिन मजा आ रहा है इन लोगों को इस उफनती नदी को पार करने में। पार करते हुए लड़खड़ा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल ड्रेस पहनी एक लड़की तो लड़खड़ाकर गिर भी पड़ती है, लेकिन मानेंगे नहीं ये लोग। अभी मौज कर रहे हैं, हंसी ठिठोली करके पार कर रहे हैं। वीडियो दमोह के हटा ब्लॉक के मर्यादों का है। मत रहिए इतने बेखौफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर दिन दिखा रहा हूं, ट्रक बह जा रहे हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ दमोह से ही नहीं आई, कटनी की तस्वीर दिखाइए कटनी की तस्वीर देखिए। इन लोगों को भी अपनी परवाह नहीं है। जल स्तर बढ़ने से नदी उफान पर, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन पानी के प्रचंड बहाव के बीच ये लोग बेखौफ होकर आर पार कर रहे हैं। वीडियो बड़वारा के सकरीगढ़ के महानदी पुल का है। ये वीडियो मैं यहां से देख रहा हूं तो लग रहा है कि कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। बहुत तेज बहाव है, मत करिए जान से खिलवाड़। चलिए कटनी के बाद और आगे बढ़ते हैं, डिंडोरी का वीडियो देख लीजिए। यहां भी वही हाल है, कैसे स्कूली बच्चे उफनती नदी के बीच से आर पार कर रहे हैं। लगातार बारिश से यहाँ भी नदी नाले उफान पर हैं। बिलगड़ा बांध का जल स्तर भी बढ़ गया है। शहपुरा इलाके में साकुल नदी उफान पर है। कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों को बहुत जल्दी है जाने की, बहुत जल्दी है। महिला बुजुर्ग बच्चे सब पार कर रहे हैं। सोचिए बहाव इतना तेज है कि जोर से पकड़कर बाइक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब वीडियो देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। काम के लिए जाना जरूरी है, इसलिए पार करना मजबूरी है, मैं भी समझता हूँ। पूरा दोष अकेले आप लोगों का ही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ इसमें सिस्टम भी दोषी है जो इन लोगों के लिए इंतजाम नहीं कर पा रहा है। और हाँ, प्राकृतिक आपदा में बुद्धि लगाइए ना, या इस बहाव के बीच में इन्हें गुजरने से रोक नहीं पा रहा है, सिस्टम भी दोषी है। अभी तमाम ऐसे वीडियो हैं जो लोगों की ओर सिस्टम की लापरवाही को बयां कर रहे हैं। लेकिन अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेता हूँ, वहां से भी कई तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले आपको धमतरी की तस्वीर दिखा देता हूं। बार बार कह रहा हूं, बारिश अपने साथ तबाही लेकर आती है। तेज बारिश ने इस कच्चे मकान को गिरा दिया। सोचिए अच्छी हालत तो इनकी नहीं रही होगी। इस एक छोटे से कच्चे मकान में करीब 10 लोग रहते थे, लेकिन बारिश ने इस मकान को गिरा दिया और अब ये लोग बेघर हो गए। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी इस परिवार का हाल जानने पहुंचे थे। पहले उनकी रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि मैं कहता हूं आपसे कि 10 लोग रहते थे, गरीब हैं, कच्चा मकान है, गिर गया, कौन लेगा इनकी सुध, कौन लेगा? बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, फटाफट में ये खबर चल जाती है, जल्दीबाजी में कि हाँ बारिश ने कहर ढाया, एक घर गिरा, 10 लोग दबे या 10 लोग बेघर हुए। कोई भेजता नहीं है रिपोर्टर को कि जाओ ग्राउंड में यार, उनसे हाल पूछो, प्रशासन से पूछो। रिपोर्टर ग्राउंड पर गया है, दिखाइए जरा अनमोल तिवारी ने क्या भेजा है।
ये पूरा लगता है कि पूरा जो है आपका ये पूरा मकान जो है मिट्टी का था जी सर जी। ये आप लोग दोनों भाई हैं? हाँ, जी भाई, भाई हैं। ये कैसे ये पूरा ये भी ढह गया? ये तो पूरा भूल गया जो भी है देखो ना पूरा सामान वान पूरा था सब तो बाकी बहुत चीज तो निकाले थे पूरा पूरा खत्म हो गया। ये तो धन तो किस्मत अच्छा था कि कोई नहीं था उतने टाइम ये वाले तो सीधा गिर गया वो तो थोड़ा बहुत बचा था। ये देखिए एक छोटा सा कमरा अखिलेश हम लोग जहाँ खड़े हैं ये एक बहुत छोटा सा कमरा है और इसी छोटे से कमरे में जो है एक गरीब परिवार रहता था। यहाँ पर दो लोग भी सोते थे लेकिन देखिए ये पूरा यहाँ देखिए ये मिट्टी का जो बनाया हुआ था ये देखिए मिट्टी किस तरीके से जो है पूरा ढह गया और देखिए यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा ये पानी देखिए बरसात का पानी यहाँ टप टप गिर रहा है। अब ये घर जो है रहने लायक नहीं है ये लोग बेघर हो गए हैं। ये बहुत कम होता है कि ऐसी तस्वीरें जो है कोई दिखाता है क्योंकि देखिए ये वो परिवार है जिसमें 10 लोग रहते थे यही दो छोटे कमरे में। एक आपको मैंने कमरे दिखाया और ये दूसरा कमरा है ये दूसरा कमरा है यही दो कमरे में जो है 10 लोग रहते थे लेकिन इस घर का हाल देखिए आप ये पूरा घर जो है टूट गया है तहस नहस हो गया है। कभी भी जो ये ऊपर छत है ना ये कभी भी जो है गिर सकता है। देखिए यहाँ पर घड़ा रखा हुआ है झाड़ू रखा हुआ है यहाँ पर ये टब रखा हुआ है यहाँ पर ये बैठने का कुछ बनाया हुआ भी है कुर्सी भी देखिए एक रखा हुआ है यहाँ पर लेकिन ये पूरा घर जो है तहस नहस हो गया है। कितने दिनों से रह रहे थे आप लोग यहाँ? ये बहुत हो गया सर कम बस्ती नहीं बसा था उस समय का मतलब लगभग साल अगर बोलेंगे तो साल बोलेंगे तो वही कम से कम 50 के आसपास हो सकते हैं। 50 साल से रहे हाँ हाँ 50 ज्यादा भी हो सकते हैं। 50 साल से ज्यादा समय से ये लोग इस घर में रह रहे थे लेकिन इनकी यादों को बारिश ने तोड़ दिया खत्म कर दिया। घर के अंदर जो दो कमरे बचे हैं उनका हाल भी कितना जर्जर है आप देख ही रहे हैं। अब आपको धमतरी के एक सरकारी स्कूल का वीडियो दिखा देता हूँ। सरकारी स्कूल का वीडियो देखिए स्कूल कैसे तालाब बन गया है। यही वजह है कि स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। धमतरी के मुजगहन की तस्वीर है। अनमोल तिवारी की रिपोर्ट भी देख लीजिए क्योंकि आज जब वो रायपुर से निकले तो जहां जहां बारिश और बाढ़ की तबाही दिखी सबको कैद करते चले गए। दिखाइए जरा इसको। धमतरी में बारिश जो है आफत बन गई है इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए हम लोग धमतरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में है। ये मुजगहन स्थित धमतरी में विद्यालय है और यहाँ पर अगर आप नज़ारा अगर देखेंगे तो ये पूरा स्कूल जो है पानी से लबालब डूबा हुआ है। जहाँ भी आप देखिए मैं अभी देखिए मैं यहाँ इस स्कूल में जैसे ही घुसा हूँ तो देखिए कितना पानी है मेरे घुटने तक जो है पानी आ गया है। इसी कारण जो है स्कूल में छुट्टी कर दी गई है बच्चों की और बच्चे जो है लगभग यहाँ 200 की संख्या में आते हैं रोज पढ़ाई करने लेकिन आप स्कूल में जहाँ भी नज़ारा देखेंगे तो आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। जो शिक्षक हैं टीचर हैं वो देखिए स्कूल के बाहर खड़े हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी कर दी गई है बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो गया है इससे। इस पानी से पार होकर गेट के बाहर जाना स्कूल के बहुत मुश्किल है। आप समझिए कि इस पानी में रिस्क इतना है कि इस पानी में कुछ भी जो है जहरीले सांप भी हो सकते हैं और भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो कि जो है जहरीले साबित हो सकते हैं। हाँ छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई है तो ये कब से ऐसा है? ये तो कल से है। कल से है जी। तो क्या इसके लिए कुछ मतलब उपाय हो रहा है क्या निकासी के लिए पानी का? अब उपाय तो कहीं कुछ भी नहीं है। उपाय सर बताएंगे हमारे प्रिंसिपल सर। अब पानी तो भरा हुआ है अब निकासी हो रहा है धीरे धीरे। अभी वर्तमान शुरू में जब आए 10 बजे के आसपास तो पूरा भरा हुआ था तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य लोगों को जो है सूचित किया गया उच्च अधिकारी को तो उन्होंने कहा बच्चों के स्थिति को देखते हुए बच्चों को जो है अवकाश दे दिया जाए सहज रूप से अगर आ सकते हैं तो ठीक है। तो अभी अब पानी जो है थोड़ा सा निकासी हो रहा है तो पानी कम हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? तो 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं। सभी की छुट्टी है अभी? हाँ बच्चे लोगों को 200 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। हेडमास्टर कह रहे हैं पहली बार हुआ है लेकिन हम तो विस्तार न्यूज के लोग हैं हम अपना काम करेंगे और दिखाएंगे ना 200 बच्चे अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे। कितनी सच्चाई है मास्टर जी की बातों में। अनमोल ने वहां के लोकल लोगों से और छात्र से भी बात कर ली है। सुना दीजिए जरा वो क्या कह रहे हैं। ये जो है ग्राम मुजगहन में जो वाटर फिल्टर बना है तो 40 वार्डों का जो है नगर निगम धमतरी का जो 40 वार्डों का जो पानी है
वो पाइप के माध्यम से आता है, लेकिन यहाँ चैम्बर ना लगने के कारण वो पानी का जो बहाव जो इधर ही आके वापस आता है, और जो वाटर फिल्टर बनने के कारण ये जो दो जो छह अपना घोड़ा है उसको जो बंद हो गया है, तो शहर का जो गंदा पानी जितना आता है और शाम त्रेही आपका जोधपुर का, उसकी वजह से जो हाई स्कूल में जो है पूरा पानी भर जाता है। इस कारण बच्चों जो है पूरा लगभग 3 फीट पानी भरा हुआ था, इस कारण बच्चों को छुट्टी दिया गया है हर साल। इसीलिए कहता हूँ इधर उधर की बात नहीं, तुरंत पड़ताल कर लो, तुरंत पड़ताल कर लो। चलिए अब छत्तीसगढ़ से आई कुछ और खौफनाक तस्वीरें दिखा देता हूँ। धमतरी की जमीनी हकीकत देख लिए ना, एक और रिपोर्ट देख लीजिए छत्तीसगढ़ की, जानते हैं किस जगह की, दुर्ग की। दुर्ग की पढ़ने के लिए अलग में बच्चों को नाला पार करते ही स्कूल जाना पड़ रहा है, जान हथेली पर लेकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कुछ बच्चे अपने स्कूल के ड्रेस को अपने बस्ते में भर कर नाले को पार करते हैं, जानते क्यों? जानते हैं ताकि इन बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म भीगे नहीं। हमारे संवाददाता दिलीप ने इन बच्चों से बात की है, जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू यादव। ये नाला पार करके आप ही लोग जा रहे थे स्कूल? यस हाँ, यही से हम लोग जाते हैं स्कूल घुटवानी पढ़ने के लिए, और ये बाढ़ आ जाता है तो हमको बहुत नुकसान होता है पढ़ने में, और ये नाला की वजह से हम आधे लोग स्कूल भी नहीं आ पाते। कौन सा क्लास में बेटा? 11th। आपको डर नहीं लगता है नाला पार करके आप स्कूल जा रहे हो, कहीं कुछ हो गया तो? डर लगता है लेकिन क्या करें, पढ़ना है तो जाना पड़ेगा। नाम है आपका? वंदना मानिकपुरे। वंदना, कितना मुश्किल होता है नाला पार करने में? हम लोगों को पढ़ने में बहुत मुश्किल जाता है इस नाला के कारण। बारिश में तो बहुत पानी ही भरा रहता है जिसमें हम लोगों को पढ़ाई में नुकसान आता है। 1 महीने से स्कूल ही जाना बंद कर देते थे हम लोग इस पानी के कारण, जिसमें हम लोगों का बहुत ही नुकसान होता है। मैं बेटा गौतम। गौतम छोटे से हो यार, इतना बड़ा नाला कैसे पार करते हो, डर नहीं लगता? लगता है। हाँ, फिर क्यों पार करते? पढ़ना है तो इसलिए पार करते हैं। भूपेंद्र कौन से क्लास में हो? 11। भूपेंद्र ये नाला जब ही तो कम है, इसको पार कर ले रहे हो, जब ये नाला पूरा भर जाता होगा फिर कैसे स्कूल जाते हैं आप? नाला पार करके जाना पड़ता है। भर जाता तो भी पाना पार करके जाते हो? यस सर। डर नहीं लगता यार, बह जाओगे? लगता है। लगता है तो फिर भी? फिर भी पार करना पड़ता है। गांव के हैं, थोड़ी हिम्मती हैं, मासूम हैं, बच्चे हैं, ऐसे जान खतरे में डालकर ये पढ़ने जा रहे हैं ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन ऐसा हाल इनकी जान ले सकता है। बारिश आती है तो अपने साथ कई तरह की तबाही लेकर आती है। रोज़ इस तरह के वीडियो दिखाता हूँ जिससे जो लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं वो भी थोड़ा समझ जाएं, और सिस्टम जिसकी लापरवाही से ऐसा हो रहा है वो भी जाग जाएं। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर भी आपको बता देता हूँ। और दो नेता नक्सलवाद पर फिर से बवाल, नक्सलवाद पर फिर से बवाल। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, और खबर क्या दिखा रहा हूं कि नक्सलवाद मुक्त, नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा क्या छत्तीसगढ़ में? लेकिन विधानसभा में क्या हो रहा है, विधानसभा में सवाल जवाब हो रहा है, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने बातचीत की है नक्सलवाद को लेकर, क्या हुआ है चलिए खबर विस्तार से बता देते हैं। बात विधानसभा के मानसून सत्र की कर लेते हैं। कल पहले दिन की पूरी खबर दिखाई थी आपको, सब कुछ दिखाया था, कौन कौन लाइमलाइट में रहा, कितना बवाल हुआ, सब कुछ बताया था। आज फिर से मानसून सत्र के दूसरे दिन की बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि आज नोकझोंक कर रहे थे। क्यों जरूरी है? क्योंकि बात नक्सलवाद को लेकर हो रही थी, वार पलटवार हो रहा था, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के मजे ले रहे थे, तंज कस रहे थे, बहुत बड़ा या यूं कहिए कि बहुत हंगामा हुआ है। एक बात तो है, नक्सलवाद को लेकर राज्य सरकार का इतना सख्त रवैया रहा कि कहीं भी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती, कांग्रेस को बिल्कुल बता देती है कि भाई इतने इतिहास में पहली बार नक्सली मारे जा रहे हैं। अब आज ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा और चरणदास महंत भिड़ गए थे। विजय शर्मा को तो जानते ही होंगे, नक्सलवाद पर कितना बेबाक रहते हैं, पाला पड़ गया चरणदास महंत से तो खूब बहस हुई,
सीनियर जूनियर, कौन बड़ा कौन छोटा, आपके समय की सरकार ऐसी, आपके समय की सरकार वैसी, एकदम से खूब नोकझोंक हुई। अरे भाई धीरज रखिए, सब कुछ बताएंगे और सुनाएंगे, आराम से आराम से, धैर्य बनाए रखिए। मैं आपसे कहता हूं ना, सब कुछ विस्तार से दिखाऊंगा। आज चरणदास महंत विजय शर्मा को लपेटने का प्रयास कर रहे थे। नक्सल को उखाड़ने के लिए बीजेपी कितनी प्रभावशाली है, इसका जिक्र उनके तमाम नेता करते रहते हैं। विजय शर्मा तो हर मंच से नक्सलवाद को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही सब बात शायद कांग्रेस को चुभती है। इसलिए जब तुलना करने लगती है कांग्रेस की, हमारी जो सरकार थी वो नक्सलवाद के सफाए को लेकर ज़्यादा बढ़िया थी, तभी बात बिगड़ती है। आज जब फिर नक्सलवाद पर बात हो रही थी तो बात भरमार बंदूक तक पहुंच गई। वही बंदूक जो बस्तर के आदिवासी जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने पास रखते हैं। इसमें बारूद भरा जाता है फिर इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए इस तरह की बंदूक को लेकर, भरमार बंदूक का जिक्र करते हुए चरणदास महंत ने गुगली का जिक्र कर दिया। ताना देने लग गए कि विजय जी आप गुगली बहुत अच्छा खेलते हैं। पुलिस फर्जी बंदूक अपने साथ लेकर जाती है और हथियार बरामद करने की बात कहकर फोटो खिंचवा लेती है। विजय शर्मा को ये भी बोल दी कि आप गुगली बहुत अच्छा खेलते हैं। चरणदास महंत जी वाह, इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे जैसे सच में कोई डाटा हो इनके पास या फिर कोई सबूत हो। नेता मजे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जब ऐसा बोल दिया तो विजय शर्मा कहाँ चुप रहने वाले। सुन लीजिए क्या क्या कहा सुनी हुई है दोनों नेताओं के बीच में विधानसभा में, सुनाइए जरा। मैंने बिल्कुल आरोप नहीं लगाया, मैंने उन्हें दाद दी है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, आपने स्वयं कहा है कि हम नक्सलियों से बात करेंगे, बात करने के तैयार हैं, आपने कहा है ना कि गलत छपा है। आज तक 6 महीने कही, अब 7 महीने होने वाले हैं, आप लोगों ने नक्सलियों से बात करने के लिए कौन सी कोशिश की है? आप सीधे नक्सलियों से बात नहीं कर सकते? अब इस माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है, पदभार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था, डिविजनल कमेटी मेंबर हैं ऐसे 6 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था, कंपनी सदस्य हैं ऐसे 13 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था, और अन्य हैं जो 51 लोग हैं। इस तरीके से कुल 137 हैं जिन पर इनाम है और उनको वो इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए। गजब है, वैसे बहुत अनर्गल बोल गए हैं चरणदास महंत। राजनीति करने के लिए कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है। अभी तो रुकिए, बात एक्सपीरियंस तक पहुंच गई। कहने लगे थे कि 1995 में मैं भी गृह मंत्री था, इसका भी जवाब विजय शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से दिया, सुनाइए। खैर, सत्र के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता कवासी लखमा और गृह मंत्री के बीच भी गर्मा गर्म बहस हो गई। कोंटा से 6 बार के विधायक कवासी लखमा ने सीधा आरोप लगा दिया कि बीजापुर जिले के पीडिया में हुई मुठभेड़ में निर्दोष लोग मारे गए हैं। लखमा अभी बोल ही रहे थे कि गृह मंत्री विजय शर्मा उठ खड़े हुए और कह दिया कि इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकते। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। ऐसा विषय है जिस पर राजनीति होती रहेगी, विधानसभा में मुद्दा गरमाता रहेगा, अपनी पार्टी को ऊपर रखने के लिए हर दिन सदन में इस तरह से नोकझोंक होती रहेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं। ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि पिछले 6 महीने में सुरक्षा बल में लगे जवान एकदम से पहाड़ की तरह नक्सलियों पर टूट रहे हैं। हमारे पास लगातार बस्तर, सुकमा, बीजापुर से खबर आती रहती है, हम दिखाते भी, जरा देख लीजिए। दिसंबर से जून तक 273 नक्सली घटना हुई है, 92 बार पुलिस और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 137 नक्सली मारे गए और 171 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तो रुकिए, आत्मसमर्पण की बात बताते हैं आपको। 526 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, समझ रहे हैं, 6 महीने के हिसाब से ठीक ठाक डेटा है, ठीक ठाक नहीं, बहुत बड़ा डेटा है। और इस मुठभेड़ में 19 जवान शहीद हुए और 88 जवान घायल हुए। नक्सली घटना में पिछले 6 महीनों में 34 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने 2 साल में नक्सलियों को खत्म करने का टारगेट रखा है, इसलिए लगातार फोर्स हेडमा के गांव से लेकर अबू झमाड़ तक नक्सलियों के घर में घुसकर अटैक कर रही है।
इस बार जवानों ने सिर्फ टीसीओसी के दौरान ही नहीं बल्कि बारिश में भी नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला दिए। खैर, बस्तर पिछले चार दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। सैकड़ों जवान नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। पिछले 24 सालों में 1700 से अधिक आम नागरिक भी मारे गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता इस दौरान मारे गए हैं। बहुत दुख होता है जब नक्सल हमले की खबर सुनता हूं और जब राजनीति होती है तो और भी बुरा लगता है। टाइम हो गया है 8:49। खबरें और भी थी, खबरें बहुत दिखा सकता था, लेकिन अब हो गया है 8:50। इसलिए मुझे इजाजत दीजिए, मेरी टीम को इजाजत दीजिए और बने रहिए आप विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।